गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर टुडे। बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, देखो लेट आर बी द रिलेशन इन द गिवन सेट ए एंड गिवन बाय, ये आपके पास रिलेशन है बच्चों, आप इसको रीड कर सकते हैं। हमने प्रूव करना है प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो वी हैव ए हमारे पास सेट गिवन बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट ए जिसके एलिमेंट क्या है, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 एंड आर तो रिलेशन है बच्चों। ओके इसके अंदर डॉटेड पेयर आपके पास गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना बच्चों कि आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो फर्स्ट पार्ट में यहां प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व यह करेंगे यहां पर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, तो क्लियरली ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग टू आर, तो ऑब्वियसली कि ऑर्डर्ड पेयर ए ए बी आर भी बिलोंग करेगा। यानी कि कहने का मतलब बच्चों क्या है, ए मींस क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ओके इज कन्यूट टू इटसेल्फ, यानी कि रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे वन ए मींस का सेम एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो रहा है, जैसे वन वन से रिलेटेड हो रहा है, हाँ जी याद रखिए, टू टू से रिलेटेड हो रहा है, हाँ जी, थ्री थ्री से रिलेटेड हो रहा है, यस, और 4 4 से रिलेटेड हो रहा है, ओके। इट मींस क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओके बच्चों। तो ऑर्डर्ड पेयर ए ए यहां पर बच्चों हम देखो हम क्या करेंगे, अगर हम 1 1 यहां अलग लिख के दिखाएंगे कि 1 1 बिलोंग ऑर्डर्ड पेयर 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर, तो इसमें बच्चों काफी लिखने में समय लग जाएगा और काफी लंबी हो जाएगी एक्सप्लेनेशन। तो हमने क्या है कि लेकर नॉन वैल्यू ले लिया है ए बिलोंग टू ए, और ए का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की, सेट ए का यहाँ पर क्या है, एवरी एलिमेंट यहाँ पर लिया गया है, जूम किया गया है, यानी कि ए का मीनिंग, ए का मतलब बच्चों 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर पेयर ए ए बिलोंग टू आर मीन्स क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओके। और ये इसके अंदर कंटेंट आप यहाँ देख सकते हैं, रिलेशन के अंदर ये पड़ा हुआ है कंटेंट इसके अंदर बच्चों, तो इट मींस क्लियरली हम बोल देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, यही तो डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्सिव की। सेकंड क्या है, वी हैव, अब दूसरी क्या होती है सिमेट्रिक के लिए, क्या बच्चों अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करता है आर में तो उसका रिवर्सिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि ए बी के साथ बी ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया 1 2, हाँ जी 1 2, लेकिन क्या बच्चों 2 1, अब 2 1 भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर होना चाहिए लेकिन वो नहीं है इसके अंदर, तो इट मींस क्या है आर इज नॉट सिमेट्रिक के ऑर्डर, बट ऑर्डर पेयर 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर 1 2 सपोज करो बच्चों आपके पास 1 2 बिलोंग करता आर में और 2 1 भी आर में बिलोंग करता, फिर हम कोई और चेक करते, जैसे सपोज करो 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था, ओके 3 2 है तो 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए था। ये नहीं है कि बच्चों एक तो सेटिस्फाई हो गया है और दूसरा सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि हमारे पास हर एक ऑर्डर पे रिवर्सिंग ऑर्डर में होना चाहिए था। जैसे हमारे पास बच्चों 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि इनमें से एक तो बन गया 1 2 है और 2 1 भी मिल गया। जैसे आपके पास सपोज करो ये 1 2 है और 2 1 भी होता तो फिर क्या है इनका सिमेट्रिक होता नहीं, फिर भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि 1 3 बिलोंग करता है लेकिन 3 1 तो नहीं इसके अंदर। इसी प्रकार 3 2 बिलोंग करता है, 2 3 तो नहीं इसके अंदर, तो सभी सेटिस्फाई होने चाहिए जितने भी ऑर्डर पे अपने रिवर्सिंग ऑर्डर के अंदर, ओके बच्चों। तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होता, ओके बच्चों। तो हमने कोई एक ले लिया, हमने कोई एक चूज कर लिया, यहाँ पर कोई भी आप एक उठा के रख सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं, ओके। यहाँ सभी का मेंशन करने की जरूरत नहीं यहाँ पर कि 1 2 बिलोंग करता है, 2 1 बिलोंग नहीं करता। इसी प्रकार फिर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे कि 1 3 बिलोंग करता है, 3 1 बिलोंग नहीं करता। फिर नेक्स्ट आप कोई यहाँ पर ऑर्डर पेयर लेंगे कि 3 2 बिलोंग करता है लेकिन इसका रिवर्सिंग ऑर्डर 2 3 बिलोंग नहीं करता। सभी लेने की आवश्यकता नहीं है, कहने का मतलब आप कोई एक दिखा दीजिए, अगर एक भी कोई भी एक इसको डिस्टर्ब करता है तो इट मींस वो सिमेट्रिक नहीं होगा बच्चों, ओके। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड क्या है, वी ऑब्जर्व दैट 4 a b c बिलोंग करता है ए के अंदर, 3 एलिमेंट, हमने कोई भी 3 एलिमेंट यहाँ ले लेंगे, 4 एलिमेंट वैसे गिवन है सेट ए के अंदर, हम एनी 3 एलिमेंट यहाँ से टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं कोई भी। और ये देखो ये नॉन वैल्यू एबीसी हमने ले ली, एबीसी का मतलब क्या है आपकी कोई एनी 3 वैल्यू हो सकती है सेट ए की एलिमेंट्स की बच्चों, ओके। तो जैसे ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करता है आर में, ए बी मिलेगा कि फर्स्ट 2 एलिमेंट, जैसे हमने कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए यहाँ पर ऑर्डर में, तो क्या शुरू वाले जो 2 एलिमेंट को ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है आर में और फिर लास्ट के 2 एलिमेंट है 3 एलिमेंट में से, उनको ऑर्डर पेयर बी बिलोंग करता है आर में, तो फर्स्ट और लास्ट 2 एलिमेंट आपके आस पास है ए और सी है, अगर वो भी आर में बिलोंग करता है तो आर बन जाएगा ट्रांजिटिव, अदरवाइज क्या बन जाएगा नॉन ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर जो नॉन वैल्यू लिए ए बी सी का मतलब क्या, मैंने आपको बताया बच्चों कोई ए बी सी का 3 वैल्यूज, कोई भी 3 वैल्यूज है 4 में से। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ, जैसे हम यहाँ देखो अब इसको रिलेटेड करेंगे, जैसे मैच करेंगे ए बी बी सी, यानी कि जो आपका पास देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये देखना, ओके। फिर हम टैली करेंगे ए और सी को, जैसे यहाँ देखो 1 2 2 2, ये देखो ये सेम है,
ये सेम है, टू टू ये सेम हो गए, तो फर्स्ट और लास्ट वन टू, तो क्या वन टू भी इसके अंदर है, यस ईयर ऑर्डर पे वन टू बिलोंग करता है, ये सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट भी और चेक करेंगे, ये जरूरी नहीं कि हमने एक ही चेक कर लिया, हम और भी चेक करेंगे इसी प्रकार, और भी ऐसे ही मेरे पास ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, जैसे हाँ जी बीच वाले सेम होना चाहिए बच्चों, देखो वन थ्री और थ्री थ्री, ये सेम हो गए, ये बी बी वाला एलिमेंट दोनों ऑर्डर पेयर में सेम होना चाहिए। ओके तो फिर देखेंगे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट वन और थ्री, क्या वन और थ्री इसके अंदर है, यस ये रहा वन और थ्री, ओके फर्स्ट ऑर्डर पेयर भी मैच करता है। उसके बाद फिर और चेक करेंगे नेक्स्ट, ये देखो थ्री थ्री, इसका देखो लास्ट टू जो ऑर्डर पेयर आपके पास थ्री थ्री, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट थ्री टू, हाँ जी थ्री टू भी इसके अंदर है, इट मीन क्या ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी को क्लियरली बिल्कुल कंप्लीटली क्या है इसको सेटिस्फाई करता है, इट मीन रिलेशन क्या बन जाएगा ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो हम बोलते हैं लास्ट में हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू, नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू। सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बच्चों ने ये चेक करना है कि दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये हमने चेक करना है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट देखो, रिलेशन आर इन द गिवन सेट ए, ये सेट ए हमारे पास गिवन है और रिलेशन भी आपके पास ये गिवन है। ओके तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये आपके पास रिलेशन है और ये सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट दिया है फ्रॉम 1 टू 14, ओके एक से लेकर के 14 तक बच्चों यहां पर दिए गए हैं सेट ए के अंदर एलिमेंट, यानी कि टोटल 14 एलिमेंट आपके पास नेचुरल नंबर के अंदर, एंड आर जो रिलेशन आपके पास गिवन है बच्चों, ओके रिलेशन ए ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, ये कंडीशन आपके पास दी है 3a minus b is equal to 0, इस टाइप का रिलेशन आपके पास दिया बच्चों कि 3a minus b is equal to 0, तो सबसे पहले तो 3a minus b is equal to 0 इसको क्या करें बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे 3a, ये माइनस का बच्चों b, तो राइट हैंड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा b, यानी कि 3a is equal to b, और a और b दोनों ही एलिमेंट किसके बच्चों, सेट a के एलिमेंट है। ओके बच्चों a वाला भी और b वाला भी दोनों एलिमेंट सेट a के एलिमेंट होने चाहिए। फिर a, अब ये वैल्यू पुट करें बच्चों b, b के स्थान पर क्या पुट करेंगे 3a, क्योंकि b की वैल्यू क्या यहां से निकल गया है b is equal to 3a, तो ऑर्डर पेयर a कोमा b, अब आप b के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू लिख सकते हैं, जो b की वैल्यू 3 आई है, ये बच्चों a ऑर्डर पेयर b है, तो b के स्थान पर लेंगे 3a, b की वैल्यू क्या है 3a, such that a कोमा b के स्थान पर क्या है 3a, तो a और 3a दोनों ही एलिमेंट किसके होने चाहिए, एक एलिमेंट होने चाहिए, a में बिलोंग करने चाहिए बच्चों। ओके तो अभी देखो आपके पास ये जो रिलेशन है, ये आपके पास रिलेशन जो बच्चों वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, जैसा कि आपने प्लस वन क्लास के अंदर 11th क्लास में बच्चों सेट जो चैप्टर रीड किया था, और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा क्या था बच्चों रोस्टर फॉर्म। ओके तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन है बच्चों, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। ओके जैसे आप 11th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर सेट था बच्चों, सेट को भी आप क्या है दो टाइप से लिख सकते थे, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा रोस्टर फॉर्म में, तो यही सेम रिलेशन को भी, ये रिलेशन जो दिया है ये किस फॉर्म में दिया बच्चों, ये एक प्रकार का सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के रूप में दिया गया है, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा रोस्टर फॉर्म में। जैसे इन रोस्टर फॉर्म आर इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म मतलब बच्चों क्या करेंगे डिजिटल फॉर्म में लेंगे, हाँ जी अब ए क्या हो सकता है एलिमेंट वन, क्योंकि वन से स्टार्टिंग है, अगर ए एलिमेंट वन है तो ए के समान वन पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे ए के समान वन, तो थ्री वन जो थ्री, तो फर्स्ट एलिमेंट वन है तो सेकंड एलिमेंट क्या आएगा थ्री आएगा, तो थ्री वन जो थ्री होगा तो वन थ्री, अब यहां देखेंगे वन थ्री दोनों ही मैच होने चाहिए, हाँ जी वन और थ्री इसके अंदर बिल्कुल मैच है, इसके अंदर डले हुए पड़े हुए कंटेंट है। दूसरा वाला क्या है, फिर टू पुट करेंगे तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें थ्री को टू से, थ्री टू सिक्स, तो दूसरा ऑर्डर फिर आएगा टू सिक्स आएगा, फिर यहाँ वाली पुट करेंगे थ्री, यहाँ भी थ्री, और ए के साथ थ्री पुट करना, पहले वन फिर टू फिर थ्री ऐसे चलता रहेगा बच्चों, तो थ्री तो यहाँ थ्री से नाइन हो जाएगा, फिर यहाँ फोर करेंगे तो थ्री फोर से ट्वेल्व हो जाएगा, आगे अगर वैल्यू फाइव पुट करेंगे बच्चों तो फाइव थ्री का फिफ्टीन हो जाएगा, और फिफ्टीन इसके अंदर नहीं है तो वो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर मैं कैंसिल कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे बच्चों वो आगे नेक्स्ट वाले रिजेक्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही वैल्यू ए वाली और बी वाली ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एलिमेंट की वैल्यू इसके अंदर कंटेन होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट ऑर्डर पेयर लिखूं बच्चों फाइव ए के सब फाइव, तो फाइव तो मैच करता है, लेकिन तो थ्री फाइव का फिफ्टीन, तो सेकंड वाला एलिमेंट फिफ्टीन हो जाएगा ट्वेल्व के सामने, और वो 15 इसके अंदर सेट ए के अंदर नहीं है, वो इसका एलिमेंट नहीं है सेट ए का। ओके तो इट मींस नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए, तो वहां पर जो पहले वाला तो हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो मैच नहीं करेगा, इट मींस को अगले वाले ऑर्डर पेयर को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, वो कैंसिल कर दूंगा, और यहीं तक इसको यहाँ पर लिखा जाएगा वन टू थ्री फोर, तो फोर ऑर्डर पेयर इसके अंदर बनेंगे बच्चों। अब यहां बात करेंगे हमने क्या करना है, हमने निकालना, हमने चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है
सिमेट्रिक है या ट्रांसटिव है या नहीं है, ये चेक करना हमने। तो क्लियरली अब देखो रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन क्या होती है कि सेट ए का हरेक एलिमेंट एवरी एलिमेंट अपने आप से कंट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आप जो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, 3, 2, 6 ऑर्डर पे, यहाँ देखो रोस्टर फोर में जो मैंने लिखा है रिलेशन, इसकी यहाँ देखिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड स्वयं से रिलेटेड नहीं है बच्चों। तो क्लियरली हम यहाँ कहते हैं बच्चों कि 1 1 does not belong to 1 1 does not belong to r 2 2 does not belong to 2 3 does not belong to 3 4 does not belong to 4, यानी कि ना यहाँ फर्स्ट एलिमेंट वन है तो सेकंड वाला वन होना चाहिए था। ऐसे अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए था, यहाँ 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए था, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था, तभी तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनता। लेकिन ये ऐसा नहीं है रिलेशन के अंदर, तो फिर ये क्या बन गया, नॉट रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो अब यहाँ आप यहाँ अननोन वैल्यू ग्रुप में ऐसे लिख सकते हैं कि 4 ऑल ए बिलोंग टू ए बट ए ए ऑर्डर ए ए डज नॉट बिलोंग टू आर। ओके, कि ए का एवरी एलिमेंट ए, कि ए का कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है। ओके, वी ऑब्जर्व दैट या क्लियरली कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, कि ए का हर एक एलिमेंट, जो ए का हर एक एलिमेंट बच्चों क्या अपने आप से रिलेटेड नहीं है इसके अंदर बच्चों, जहां यहां देखो इस रिलेशन के अंदर रिलेटेड नहीं है, तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके बच्चों, अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। बी वी हैव, जैसे कोई भी बच्चों आप ऑर्डर पे यहाँ देखो लेके, जैसे 1 3 मैंने यहाँ पर ले लिया, 1 3 यहाँ देखो 1 3, इसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी इसके अंदर होना चाहिए। रिवर्सिंग ऑर्डर क्या बनेगा, 1 3 का 3 1 बन जाएगा। तो क्या 3 1 इसके अंदर कंटेंट है रिलेशन के अंदर, देखना आपने ओनली, यहाँ पर नहीं देखना बच्चों, आपने सिर्फ ये एलिमेंट देखने हैं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 जो कि अपने आप से रिलेटेड नहीं हो रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं था। उसके बाद फिर यह 1 3, यहाँ देखो आपने भी यहाँ नहीं देखना है, आपने सिर्फ यहाँ देखना है बच्चों, जो रोस्टर फोर में रिलेशन देखना है यहाँ, इसके अनुसार हम बात करेंगे। जैसे 1 3 बिलोंग करता है लेकिन अगर रिवर्सिंग ऑर्डर इसके अंदर नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो इट मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। आप कोई भी अगर 1 3 है, अगर 3 1 भी होता फिर नेक्स्ट भी चेक करता मैं 2 6, तो 6 2 भी होना चाहिए था, इसी प्रकार 3 9 9 3 भी होना चाहिए था, 4 12 12 4 भी होना चाहिए था। ये नहीं है कि इसके 2 मैच करके सेटिस्फाई करेंगे और ये अगले वाला सेटिस्फाई नहीं करता, सभी सेटिस्फाई होना चाहिए, जितने भी ऑर्डर पे रहे वो सभी रिवर्सिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जितने भी रिलेशन में गिवन है तो सेटिस्फाई करेगा तो सिमेट्रिक बनेगा, अदरवाइज ये नहीं है कि इसके 2 सेटिस्फाई कर गए हैं और लास्ट वाला जैसे मान लो 3 1 3 है, 2 6 भी रिवर्सिंग ऑर्डर में, 3 9 भी है रिवर्सिंग ऑर्डर में गिवन है, सपोज कर लेते हैं, लेकिन 4 12 अगर नहीं है तो इट मीन ये नहीं है कि 3 रिवर्सिंग ऑर्डर में गिवन है और लास्ट वाला नहीं है तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा, नहीं, सभी जितने मेरे पास ऑर्डर पे हैं सभी क्या उनसे रिवर्सिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जो भी आपके रिलेशन के अंदर गिवन है तो सिमेट्रिक बनेगा, अदरवाइज डज नॉट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट आइए ट्रांसटिव, आल्सो 1 3 1 3 कहता है, 1 3 ऑर्डर याद देखें, 1 3 बिलोंग करता है इसके अंदर, अब 3 9 भी बिलोंग करता है इसके अंदर, आपने क्या लेना होता है ट्रांसटिव में, ए बी और बी सी, हम क्या करेंगे ए और सी को, जैसे देखो यहाँ देखो ये बीच वाला सेम होना चाहिए, बी क्या 3 यहाँ बी क्या 3, तो ए और सी क्या 1 और 9, तो 1 और 9 बीच में होना चाहिए, लेकिन 1 और 9 यहाँ पर नहीं है, तो इट मीन्स ये 1 और ऑर्डर पेयर 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांसटिव, आर ट्रांसटिव नहीं है, इट मीन्स क्या कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांसटिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये ट्रांसटिव भी नहीं है, तो इट मीन्स क्या कहेंगे लास्ट में, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसटिव। ओके बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ मैंने तो फर्स्ट पार्ट किया, इसका सेकंड पार्ट यहाँ कर लेते हैं, नाउ वी टेक सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, रिलेशन आर इन द गिवन सेट ए 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज रिलेशन, हमारे पास गिवन है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए, कि बी इज डिविजिबल बाय ए मींस बच्चों की जो ए डिवाइड्स बी, बी इज डिविजिबल बाय ए कि बी ए से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है, ये कहने का मतलब है बच्चों। यहां देखिए सबसे पहले ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन गिवन है, आप चाहे इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं रिलेशन को, इन रोस्टर फॉर्म में क्या बनाए बच्चों, देखो सबसे पहले आपके पास ये एलिमेंट भी है 1 2 6 यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, अब ए का मतलब भी यहाँ पर लिया गया और बी का मतलब इन्हीं एलिमेंट से यहाँ पर लिया गया। ओके, ए और बी इन्हीं एलिमेंट से लिए गए हैं, ए वाले भी और बी वाले भी। ओके, इनसे हम बाहर नहीं जाएंगे, चाहे आपका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट हो या फिर सेकंड वाला एलिमेंट हो। ओके, इन डिजिट से बाहर हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ देखिए सबसे पहले, अब इसको देखो यहाँ पर हम रिलेशन को कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, बी इज डिविजिबल बाय ए, आपने ऐसे ऑर्डर पे लिखने हैं कि जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, अब 1 1 क्योंकि बच्चों हर एक नंबर एवरी नंबर, ओके, क्या डिवाइड्स इटसेल्फ, हर एक नंबर क्या बच्चों अपने आप से क्या होता है डिवाइड होता है,
जैसे वन वन से हो जाएगा, टू टू से, थ्री थ्री से, फोर फोर से, फाइव फाइव से, सिक्स सिक्स से, ओके वो तो आपके आए आएंगे बच्चों। उसके बाद जो आपके देखो वन टू, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो वन नंबर होता है बच्चों वो हर एक नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। वन जो होता है वन डिवाइड्स एवरी नंबर बच्चों, ओके। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे बच्चों वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, ओके। क्योंकि वन जो नंबर होता है बच्चों वो हर एक नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, ओके। जैसे टू, टू बाय वन, थ्री बाय वन, फोर बाय वन, सिक्स बाय वन, ओके। तो बच्चों टू बाय वन का होता है टू ही होता है, ओके। थ्री बाय वन का होता है थ्री होता है, क्योंकि वन डिवाइड अगर हम करें किसी भी नंबर को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बच्चों, तो थ्री आएगा। फाइव बाय वन तो फाइव ही होता है, सिक्स बाय वन का मतलब सिक्स ही होता है बच्चों। इट मीन्स क्या है, जो वन होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, हर एक नंबर को डिवाइड करता है। तो इसलिए बच्चों क्या है, आप जितने भी आपके पास ये नंबर दिए गए हैं उनके साथ वन लगाएंगे, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, और हर एक नंबर अपना कोसों को भी डिवाइड करता है बच्चों, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम यहाँ नंबर लिख सकते हैं टू फोर, टू फोर, क्योंकि टू है बच्चों टू डिवाइड्स भी, टू भी को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। टू टू चा फोर, टू थ्री सिक्स, ओके। उसके नेक्स्ट हर एक नंबर अपना कोसों को डिवाइड करता है बच्चों। फिर थ्री, हाँ जी, थ्री टू जा सिक्स, फोर फोर को डिवाइड करता है, फाइव फाइव को डिवाइड करता है, सिक्स को भी डिवाइड करेगा, ओके बच्चों। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट फोर एनी ए बिलोंग टू ए, ए इज डिविजिबल बाय ए। फोर एनी का बच्चों आपके पास वन टू सिक्स जो एलिमेंट दिए गए हैं, ये क्या है, हर एक नंबर अपना को सोम को डिवाइड करता है, ऐसा ऑर्डर पेयर में भी यहाँ पर गिवन है बच्चों, ओके। जब मैंने इसको इन रोस्टर फोर में लिखा बच्चों, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हर एक नंबर अपना आपको सोम को डिवाइड कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर हर एक ऑर्डर पेयर मिलेगा, वन वन वाला भी, टू टू वाला भी, थ्री थ्री वाला भी, फोर फोर वाला भी, फाइव फाइव वाला भी, और सिक्स सिक्स वाला भी, ओके। यानी कि एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ, ओके। तो ए इज डिवाइड बाय ए, ए इज डिवाइड बाय ए, यानी कि ए डिवाइड ए, दैट इज यानी कि ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर ए ए आपस में क्या हो रहे हैं, कॉम्यूट हो रहे हैं, रिलेटेड हो रहे हैं, क्योंकि वो आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो इट मींस क्या, बिलोंग टू आर, फोर ऑल, ये साइन तो फोर ऑल का या फोर एवरी का, फोर ऑल ए बिलोंग टू ए। तो दस आर क्या बन गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। बी क्या है, वी हैव, देख बच्चों ऑर्डर पेयर वन टू बिलोंग आर, हाँ जी ऑर्डर पेयर वन टू बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन इसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी बिलोंग करना चाहिए था इसके अंदर, जो कि नहीं है, जो कि इसके अंदर नहीं कंटेंट है बच्चों। वन टू तो है लेकिन टू वन नहीं है, और सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका रिवर्सिंग वाला ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर कंटेन होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक बनेगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। तो बच्चों इसका रिवर्सिंग ऑर्डर क्या बनता है, ऑर्डर पेयर टू वन जो कि कंटेंट नहीं है, बिलोंग नहीं करता रिलेशन के अंदर, बिकॉज टू वन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वन इज नॉट डिवाइड बाय टू, वन इज नॉट डिवाइड बाय टू, यानी कि टू डज नॉट डिवाइड ए, टू डज नॉट डिवाइड ए, टू ए को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि वन बाय टू हो जाएगा, वन बाय टू कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा बच्चों, ओके। तो वन इज नॉट डिवाइड बाय टू का मीनिंग बच्चों, क्योंकि टू डज नॉट डिवाइड ए, तो यहाँ आर इज नॉट सिमेट्री। थर्ड उसके बाद क्या है, वी ऑब्जर्व दैट बच्चों, आप जैसे ऑर्डर पेयर वन लिया, कोई और भी ऑर्डर पेयर चेक कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने ऑर्डर पेयर वन वन टू लेना है, आप कोई और भी चेक कर सकते हैं, जैसे वन थ्री है, थ्री वन नहीं है, वन फोर है, फोर वन नहीं है, और रीजन सेम इसी टाइप का दिया जाएगा बच्चों, ओके। तो इस प्रकार बहुत सारे ऑर्डर पेयर हैं जो वो बिलोंग तो करते हैं लेकिन उनके रिवर्सिंग ऑर्डर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी आप यहाँ एक एग्जाम्पल रखे बता सकते हैं आपके बच्चों। तो दस आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड आपका वी ऑब्जर्व दैट फॉर एनी ए बी सी, हम कोई भी बच्चों आपके पास सिक्स वैल्यूज एलिमेंट है, हम कोई भी तीन एलिमेंट यहाँ लेके रख सकते हैं, एनी थ्री एलिमेंट, वी कैन टेक एनी थ्री एलिमेंट्स। तो ए बी बिलोंग आर, अब यहाँ चेक करेंगे ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर, तो ए सी भी आर में बिलोंग करता है, तो बन जाएगा आर इज ट्रांसटिव। अगर बच्चों ऑर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग करता है, बी सी भी आर में बिलोंग करता है, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ट्रांसटिव वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट यानी कि ऑर्डर पेयर ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऑर्डर पेयर ए सी आर में बिलोंग करता है तो आर बन जाएगा ट्रांसटिव। अभी जो अननोन वैल्यू लिए ए बी सी, अभी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या वास्तव में ये ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, क्या वास्तव में एक्चुअली में ही ए सी आर में बिलोंग करता है, नहीं करता है, या हमने ऐसे ही लिख दिया। देखते हैं बच्चों यहाँ पर ए बी का मीनिंग क्या ले रहे हैं, ए बी बी सी का। देखिए सबसे पहले बी वाला सेम होना चाहिए, बी वाला क्या चाहिए, देखो बी सेम है, ए बी बी सी, बी वाला सेम है, तो फर्स्ट और लास्ट वन टू, हाँ जी वन टू है इसके अंदर, और कोई चेक करते हैं बच्चों, हाँ जी। अब सेम मैंने आपको बताया पहले बच्चों, जैसे यहाँ देखो ए बी बी सी, ये बी वाला सेम है, तो वन और थ्री भी है बिल्कुल, ये वन थ्री है बच्चों, और कोई चेक करेंगे यहाँ पर, जैसे वन फोर और ये देखेंगे वन फोर, फोर हाँ जी है, वन फोर और फोर वन, बी वाला सेम है, तो फर्स्ट लास्ट क्या है, वन और फोर, हाँ जी वन और फोर, ये आपके आप में ये वन और ये इसका लास्ट वाला फोर, तो वन फोर बन गया ऑर्डर पे, तो वन फोर ये बन गया आपका। आप कोई भी चेक कर सकते हैं, यानी जैसे बच्चों और लेते हैं वन फाइव,
वन फाइव और फाइव फाइव, तो वन और फाइव फर्स्ट और लास्ट वन फाइव, तो ये वन फाइव भी अपने आप में बच्चों, तो इसका मतलब क्या है वन सिक्स, हाँ जी बी क्या है सिक्स सिक्स, तो लास्ट क्या है फर्स्ट लास्ट वन और सिक्स, हाँ जी वन और सिक्स भी आपके पास, यानी कि हर एक ऑर्डर पेयर, हर एक क्या ऑर्डर पेयर जो ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ए सी बी आर में बिलोंग करेगा, आप चाहे तो बच्चों चेक कर सकते हैं ओके। और ये बच्चों नॉन वैल्यू की अननोन जो वैल्यू ए बी सी है उनकी हेल्प से ओके बच्चों, हम क्या इसको ताकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा ना हो बच्चों, हमने क्या है अपनी एक्सप्लेनेशन को कम करते हुए ओके इनकी हेल्प से ए बी सी थ्री अननोन वैल्यूज की हेल्प से हम बता देंगे कि ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है, आप इसमें देख सकते हैं। तो बच्चों ए बी सी की हेल्प से बता देंगे आर इज ट्रांसटिव, की आर क्या है ट्रांसटिव है बच्चों ओके। ए बी सी का आप कोई भी ऑर्डर पेयर आप यहाँ इसमें मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं ओके बच्चों। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड।